कांकेर जिले में भालू और तेंदुओं का आतंक पहले से बना हुआ है और अब पुस बाड़ा गांव में हाथियों का दल ने दस्तक दे दी है। वैसे तो कांकेर जिले में वन्यजीव हाथी नहीं है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि उद्दंती सीता नदी से हाथियों का दल पहुंचने होंगे। दरअसल सोनना वन मंडल क्षेत्र में कुछ दिन पहले उड़ीसा से हाथियों का दल पहुंचने का ग्रामीणों ने दावा किया था, लेकिन वन विभाग की टीम को वे नहीं मिले थे और सोमवार देर रात कांकेर वन मंडल के पुसबाड़ा गांव में फॉरेस्ट के चौकीदार घनश्याम के खेत में हाथियों ने उत्पात मचाया। खेत में लगे पाइपलाइन को तोड़ा और कटी रखी फसल को भी नुकसान पहुंचाया। खेत को नुकसान पहुंचाने के बाद हाथी पुसबाड़ा से ब्यांग कोंगेरा के जंगलों की ओर बढ़ गए। वहीं हाथियों की लगातार तलाश में लगा वन विभाग हाथियों के पैरों के निशान के आधार पर पुसबाड़ा और ब्यास कोंगेरा के जंगलों में हाथियों की खोजबीन करने में लगा है। बहरहाल वन विभाग को अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है, पर वन विभाग हाथियों के गुजरने वाले निकटतमी गांव पर मुनादी करवाकर ग्रामीणों को सतर्क कर रहा है ताकि उनसे कोई छेड़छाड़ ना करे और पानी की तलाश में आए इन हाथियों को जंगल में ही सुरक्षित रखा जा सके।